आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल के दिन UKPSC का एग्जाम हुआ है, तो आइए हम कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं कि पेपर का एनालिसिस कैसा था, GS का पेपर और CSAT का पेपर। तो GS के पेपर के एनालिसिस के लिए हम बात करते हैं, एक मैम है यहाँ पे। मैम, आपके GS का पेपर कैसा हुआ? अच्छा था पेपर, इजी टू मॉडरेट था, लेवल अच्छा था, यूके स्पेशल क्वेश्चन अच्छे थे काफी, और भी चीजें थी, हिस्ट्री था तो यूके हिस्ट्री भी थे, अच्छे थे क्वेश्चन, बहुत सही थे। और करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन आया होता? करंट अफेयर्स का भी अच्छा पोर्शन था। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से भी पूछा हुआ? हाँ, मतलब सब कुछ कवर करा है, पॉलिटी भी कवर करी, आर्टिकल वगैरह था, सही था पेपर, सही था। और मैम, CSAT का पेपर कैसा हुआ आपका? CSAT भी सही हुआ, CSAT ज्यादा अच्छा था। काफी इजी पेपर आ गया था? हाँ, अच्छा पेपर था, CSAT अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब मैथ्स रीजनिंग सही था, लेवल सही था। तो मतलब CSAT में कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, उतनी कोई परेशानी नहीं। इसमें हिंदी का पैसेज भी आया हुआ, इंग्लिश का भी पैसेज आया? हाँ, दोनों पैसेज बहुत इजी थे, अच्छा था, अगर आप पढ़ गए हो तो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बट पढ़ाई है, पढ़ना पड़ता है। बट GS में थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता है और CSAT में कोई टेंशन वाली बात नहीं? हाँ, CSAT में अगर आपका लेवल, पहले आपने मैथ पढ़ा हुआ है, रीजनिंग पढ़े हैं, तो कर सकते हो, CSAT उतना टफ नहीं है। हाँ, GS में थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल वगैरह थोड़ा पढ़ना होगा, हिस्ट्री जो आपका है सारे कवर करना पड़ेगा, मतलब पता ही है सबको, इसमें बताना क्या। तो ये रहा उत्तराखंड PCS के एनालिसिस एक स्टूडेंट के द्वारा, जो शायद हरियाणा से आए हुए हैं। नहीं, मैं दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से आई। हाँ, ये जो दिल्ली से आई हुई हैं, ये बता रही हैं अपना एनालिसिस। और यहाँ पे पेपर अब ख़त्म हो चुका है, सभी स्टूडेंट लगभग जा चुके हैं, ठीक है। तो GS का पेपर इजी टू मॉडरेट है और CSAT का पेपर भी काफ़ी आसान रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका GS निकलेगा वो लोग फिर मेंस देने आएंगे यहाँ पे, और उत्तराखंड का फिर उनको घूमने का मौका मिलेगा, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई पोस्ट मिलती है तो उत्तराखंड में सर्व करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।